A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of Class 3 and today I am going to introduce you first chapter, Three Little Pigs. It is your pen paper test chapter. It is your pen paper test chapter. It will come in your periodic test 1 exam. Okay? Student, ये आप लोगों का pen paper test का chapter है. ये आपके periodic test 1 में आएगा. So you all will prepare this chapter properly and you all will write down notes in your book and your copy both. Okay students, इसलिए इनके notes मैं आपको send करूँगी, उसमें copy में और book में, दोनों में आप लोग properly अच्छी handwriting में आप इसको note down करोगे, क्योंकि ये आपका pen paper test का chapter है. What is the chapter? The Three Little Pigs. What is the chapter? The Three Little Pigs. Now you all open your chapter. Chapter 1. Three Little Pigs. Three Little Pigs. It is a story of three brothers. Three brother pigs. Okay. It is a story of three brother pigs. Okay. They built their house own. They built their own houses. First pig built his house with straw. Second pig built his house with sticks. And third pig, eldest pig, built his house with stones. So his house was strong. Okay. He was intelligent. He was an intelligent. Eldest pig was intelligent. A big bad wolf came into first pig's house. He said, "Will you let me in?" Then first pig said, "No." So he was angry. The wolf was angry and he put down his house. Okay. He put down his house and broke his house. And first pig ran away to the next pig. His brother, his house was built with sticks. So bad wolf ran behind him and follow him to the next pig. So then what happened? Next pig was in his house. His brother came there and then bad wolf followed and said, "Will you let me in?" They both said no. Then he huffed and puffed and put down the stick house also. Usne stick house ko bhi kya kiya? Tod diya, gira diya. Then they both ran away to the eldest pig, eldest brother, and they were safe there. The eldest pig fought with his mind and he killed to the bad wolf. Okay, ये स्टोरी किसकी है? Three little pigs की है. ठीक है, वो तीनों pigs क्या करते हैं? वो तीनों भाई होते हैं. उनमें से जो बड़ा वाला भाई होता है ना, वो बहुत समझदार होता है. वो तीनों अपना घर बनाते हैं. पहला जो क्या करता है, स्ट्रॉ यानी घास फूस से अपना घर बनाता है. जो दूसरा वाला भाई होता है, वो अपना घर स्टिक्स यानी लकड़ियों से बनाता है. तीसरा वाला भाई बहुत समझदार होता है, वो इसलिए पत्थरों से अपना बहुत मजबूत घर बनाता है. फिर क्या होता है, एक दिन एक बैड बुल्फ आता है. वो पहले छोटे भाई के पास जाता है जिसका घर स्ट्रॉ से बना होता है, घास फूस से. बोलता है, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? तो वो डर जाता है, बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा. तो उसका घर गिरा देता है और वहाँ से भाग. तो क्या करता है, जो पिग होता है, छोटा भाई होता है, वो दौड़ के जाता है अपने दूसरे वाले भाई के पास, घर में चला जाता है. उसका दूसरा वाले जो वाला ब्रदर होता है, उसका हाउस किससे बना होता है? स्टिक्स यानी लकड़ियों से बना होता है. फिर बैड वुल्फ वहाँ भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसको फॉलो करता हुआ, और बोलता है, क्या तुम लोग मुझे अंदर आने दोगे? वो बोलता है नहीं, मैं अंदर नहीं आने दूंगा. फिर वो गुस्सा करने लगता है और उसका भी हाउस भी कमज़ोर होता है, लकड़ी का बना होता है, स्टिक्स का, उसको तोड़ देता है. फिर क्या होता है, अब वो दोनों भागते भागते अपने थर्ड यानी एल्डेस्ट ब्रदर के पास जाते हैं, जो सबसे बड़ा भाई होता है, और वो दोनों वहाँ जाके छुप जाते हैं. अब बैड वुल्फ आता है और उस
देखता है उसको, बोलता है मुझे अंदर आने दो। तीनों भाई चिल्लाते हैं कि अंदर आने नहीं देंगे। फिर क्या करते हैं, वो बहुत गुस्सा करता है, हाफ डैंड पार्ट बहुत हाँपता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाउस तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका हाउस स्टोन्स का बना होता है, पत्थरों का, पत्थर इतने मजबूत होते हैं वो नहीं टूटते। तो क्योंकि वो बुद्धिमान होता है, इसलिए पहले से वो जानता है कि हम अगर अपना घर मजबूत बनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। फिर तीनों भाई उसके यहाँ जाते हैं और क्या करता है ना, वो बड़ा भाई इतना बुद्धिमान होता है, उसको बैड वुल्फ को क्या करता है, अब माइंड से फाइट करता है और उसको चिमनी से वो आता है और उसके नीचे वो बड़ा सा पॉट रख देता है, उसमें बॉयल पानी रहता है। जब बैड वुल्फ आता है चिमनी से आता है, और चिमनी किसको बोलते हैं, जो आग के ऊपर एक पाइप लगाया जाता है उसको चिमनी बोलते हैं ना बेटा। तो वो जब चिमनी से नीचे आता है, नहीं आ पाता है, चिमनी सोचता है मैं चिमनी से नीचे जाऊँ, चिमनी से आता है और नीचे वो क्या करता है ना, एक बहुत बड़ा सा पॉट रख देता है, उसमें वाटर बॉयल होता है, पानी उबलता रहता है, और उसमें बैड वुल्फ गिर जाता है और वो मर जाता है। इस तरह वो अपने माइंड से फाइट भी करता है। तो वो इसलिए हमें हमेशा अपने, वी शुड यूज़ ऑलवेज अवर माइंड, जब भी हम वर्क करते हैं ना, इसका मॉरल क्या है, वी शुड यूज़ अवर माइंड, हमें अपने माइंड से काम करना चाहिए। इसलिए बड़ा भाई उसका समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो बच भी जाता है और वो बैड वुल्फ को मार भी देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ लुक ऑन इट। चैप्टर वन, द थ्री लिटिल पिग्स। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ थ्री लिटिल पिग्स। दे वर ब्रदर्स, दे ऑल बिल्ट देयर हाउसेज। एल्डर पिग वॉज इंटेलिजेंट, ही बिल्ट हिज हाउस विद स्टोन्स सो दैट बैड वुल्फ डिड नॉट पुट डाउन हिज हाउस एंड दे ऑल वर सेफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल पिक आउट योर बुक एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू इन्जॉय दिस स्टोरी। बेटा ये स्टोरी बहुत क्या है, इन्जॉयबल है, ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, ये आप में इस आपको मॉरल देती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने माइंड से वर्क करना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी आती है तब हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड द चैप्टर वन, द थ्री लिटिल पिग्स। ओके, द थ्री लिटिल पिग्स, यू ऑल ओपन पेज नंबर 7, द थ्री लिटिल पिग्स। ओके, नाउ रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर थ्री पिग्स। वन पिग बिल्ट हिमसेल्फ अ हाउस विद स्ट्रॉ, द अदर पिग बिल्ट हिमसेल्फ अ हाउस विद स्टिक्स, एंड द थर्ड पिग बिल्ट हिज हाउस विद स्टोन्स। वंस अपॉन अ टाइम, थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे पिग। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वर थ्री पिग्स, तीन पिग्स थे, तीन पिग्स थे। वन पिग बिल्ट हिमसेल्फ अ हाउस विद स्ट्रॉ, पहले पिग ने, छोटे पिग ने अपना घर खुद घास फूस से बनाया, और दूसरे पिग ने अपना घर लकड़ियों से बनाया, और तीसरे बड़े भाई ने, बड़े पिग ने अपना घर पत्थरों से बनाया। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू द डोर ऑफ द स्ट्रॉ हाउस एंड सेड, लिटिल पिग विल यू लेट मी इन। द लिटिल पिग सेड, नो बाय द हेयर ऑन माय चिनाई चिन चिन, आई वोंट लेट यू इन। द वुल्फ गॉट एंग्री, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द स्ट्रॉ हाउस डाउन। ओके, व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या होता है कि एक गंदा सा बड़ा सा बेकार बदमाश भेड़िया आता है, और वो पहले पिग के पास जाता है, छोटे पिग के पास, जिसका घर घास फूस से बना होता है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? तो क्या कोई भेड़ियों को बोलेगा अंदर आओ, वो तो जानता ही मुझे मार देगा। तो बोलता है, नो, किसी भी कीमत में नहीं। द बेटा, इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोवर्ब है, बाय द हेयर ऑन माई चिनाई चिन चिन। क्या पढ़ेंगे इसको, बाय द हेयर ऑन माई चिनाई चिन चिन, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अंदर आने नहीं दूंगा। तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है, हफ्ड एंड पफ्ड, मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था ना, हफ्ड एंड पफ्ड मत होता है, जोर से गुस्से में जब इंसान सांसें लेता है ना, उसको बोलते हैं हफ्ड एंड पफ्ड।
तब उसे बहुत जोर जोर वो गुस्से में सांसें लेता है और वो क्या करता है, गुस्से में स्ट्रॉ हाउस को नीचे गिरा देता है। ठीक, द लिटिल पिग रैन टू द हाउस मेड ऑफ स्टिक्स एंड हाइड देयर विद हिज ब्रदर। द लिटिल पिग रैन टू द हाउस, जो लिटिल पिग होता है वो जल्दी जल्दी क्या करता है, स्टिक्स वाले हाउस की तरफ जाता है दौड़ता हुआ अपने भाई के पास। द बिग बैड वुल्फ फॉलोड हिम टू हिज ब्रदर्स हाउस, जो बिग बैड वुल्फ होता है वह उसका पीछा करता है उसके दूसरे भाई के घर में। ही आस्क्स द टू लिटिल पिग्स टू लेट मी इन, बट बोथ ऑफ देम सेड नो। ही आस्क्स द टू लिटिल पिग्स, वो फिर क्या करता है, दोनों भाइयों से पूछता है मुझे अंदर आने दो, दोनों भाई क्या कहते हैं, नो। दोनों भाई कोई बुल्फ को बोलेगा कि अंदर आओ, उसको तो पता है बुल्फ क्या करेगा, उसको मार के खा जाएगा। सो पेज नंबर 8 पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ इज हम नाउ गोइंग टू स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन द वुल्फ गॉट एंग्री एंड ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द स्टिक्स हाउस डाउन। फिर क्या होता है, सो वंस अगेन, एक बार दोबारा जो वुल्फ होता है वो गुस्सा हो जाता है और हाँपता है और क्या करता है, स्टिक हाउस को भी नीचे गिरा देता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, अब बेटा रेस्ट द चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, आपका क्लास वर्क क्या है बेटा, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 और जितना और पेज नंबर 9, आप इनमें हार्ड वर्ड्स लिख के, हार्ड वर्ड्स में वर्ड मीनिंग लिखोगे, ठीक है, गूगल से सर्च करोगे या तो डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे आप, और उसको राइट डाउन करके आप उसकी फ़ोटो खींच के आप वर्ड में मीनिंग लिख दोगे। बेटा वर्ड की मीनिंग आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको हेल्प करता है, अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं आती आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन भी मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को हार्ड वर्ड्स इसीलिए आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, आप लोग को बताया था, लेकिन आपको प्रॉपरली बेटा आना चाहिए, इसलिए आप हार्ड वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे एंड यू विल सेंड इट टू मी एज अ क्लास वर्क। मैं आपको नोट्स भेजूंगी, वो नोट्स आप मुझे होमवर्क में नेक्स्ट डे यू विल सेंड इट टू मी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अ वॉर्म वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ प्रयाग पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम हियर विद English literature of class 2 and today I am going to teach you chapter 2, A Day of Fun. It is your pen paper test chapter. Okay, it is your pen paper test chapter. It will come in your periodic test 1. Ye chapter aapka pen paper test ka chapter hai. Iske notes main aapko send karungi. You will write down it in your book and copy both. Okay? ये आपका pen paper test का chapter है और इसको आपको अच्छी तरह से prepare करना होगा. Okay? तो I am going to introduce you कि what is the chapter? A Day of Fun. It is a chapter of fun. School students are going to celebrate a picnic in the school. Okay, school students are going to celebrate picnic in the school. Okay, it is a school picnic chapter. So they have a lot of fun in the school and their teacher played music and they have fun, they have danced, okay, they have music, etc. And they have shared their lunch, they have a school picnic and they have a lot of fun in this chapter. Okay, so we are going to celebrate a picnic in the school. Okay students, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, we have a lot of fun. हाँ, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी क्या करोगे ना, इस chapter को जब पढ़ोगे उसके बाद क्या करोगे, आप लोग को भी ऐसा feel होगा जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पिकनिक मना रहे हैं. ओके, हम लोग स्कूल में पिकनिक मनाते हैं ना, आप लोग कलरफुल लंच लेके आते हो, कलरफुल ड्रेसेस में आते हो और फिर हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना.
तो दैट्स लाइक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ पिकनिक. ओके लेट्स एंजॉय. ओके लुक हियर, लुक ऑन व्हाइट बोर्ड. चैप्टर टू, अ डे ऑफ फन. अ डे ऑफ फन, इट इज अ पीरियोडिक टेस्ट वन चैप्टर एंड इट इज द पेन पेपर टेस्ट चैप्टर. इट इज पेन पेपर टेस्ट चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एंजॉय अ स्कूल पिकनिक. स्कूल चिल्ड्रेन आर गोइंग टू अ स्कूल पिकनिक. ओके इट इज अ चैप्टर ऑफ फन. स्कूल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एंजॉय अ स्कूल पिकनिक. ओके दे वेंट इन अ स्कूल एंड दे हैव एंजॉयड इन अ स्कूल पिकनिक. ओके स्टूडेंट्स, लेट नाउ यू ऑल ओपन योर बुक चैप्टर टू अ डे ऑफ फन एंड पेज नंबर 12. पेज नंबर 12. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आई विल डिस्कस सम हार्ड वर्ड्स. ओके इफ यू नो द वर्ड मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स देन इट सपोर्ट यू टू इट हेल्प्स यू टू रीड द चैप्टर. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डब्ल्यू ओ के ई वोक. वेक, वेक मीन्स क्या होता है, जागना. वोक मीन्स जाग गया. डब्ल्यू ओ आर ई वोर, इट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेयर. डब्ल्यू ई ए आर वेयर, वेयर सेकेंड फॉर्म इज वोर. ओके सेकेंड फॉर्म इज वोर. नाउ नेक्स्ट इज पार्सल. व्हाट इज द पार्सल, पार्सल क्या होता है, सामान का पैकेट होता है. सामान का जो पैकेट होता है उसको वी कॉल पार्सल. ओके वी कॉल पार्सल. और हाइड एंड सीक क्या होता है, हाइड मीन्स क्या होता है, छुपना, और सीक मीन्स होता है खोजना. तो हाइड एंड सीक क्या होता है, जब हम लोग छुपा छिपाई का खेल खेलते हैं ना, इट्स कॉल्ड हाइड एंड सीक. ओके स्टूडेंट्स, देन लेट्स स्टार्ट. अ डे ऑफ फन, चैप्टर टू अ डे ऑफ फन, यानी मनोरंजन का दिन या मनोरंजन का एक दिन या मस्ती का एक दिन, आप ये भी कह सकते हो मस्ती का एक दिन. ओके नाउ यू आर रेडी टू एंजॉय अ पिकनिक. ओके नाउ यू ऑल वेयर कलरफुल ड्रेस एंड टेल टू योर मामा देन मेक मी कलरफुल टिफिन. ओके आप लोग सब लोग क्या करोगे ना, इस वीडियो को देखने से पहले कलरफुल ड्रेसेस वेयर करोगे और क्या करोगे, अपनी मम्मा को बोलिए कि आप लोगों के लिए कोई कलरफुल सा लंच बना के देंगे और सब आज आप लोग उसको, हम लोग ऐसे फील करेंगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पिकनिक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द एंजॉय. हेनरी एंड जाने वो वर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके पैराग्राफ वन, हेनरी एंड जाने वो ब्रदर एंड सिस्टर. हेनरी और जाने क्या है, दोनों भाई और बहन हैं. दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग वेरी हैप्पी. टुडे इज फन डे इन द स्कूल, दे क्राइड. तो क्या होता है, दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो बहुत सुबह सुबह, जब आप लोगों का कोई इंजॉयमेंट का दिन होता है, बहुत जल्दी नींद खुल जाती है. ऐसे वरना मम्मा बोलते हैं बेटा उठो, बेटा गेट अप एंड रेडी फॉर द स्कूल, तब मज़ा नहीं आता. लेकिन जिस दिन कुछ इंजॉयमेंट का डे होता है तब हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना, बहुत लगता है ओ कितनी जल्दी सुबेरा हो और कितनी जल्दी हम लोग रेडी हो जाए, ऐसा लगता है ना. तो वही हुआ, दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो बहुत जल्दी सुबह उठ गए और बहुत खुश थे. टुडे इज़ फन डे इन स्कूल, दे क्राइड. वो क्राई मीन्स क्या होता है, चिल्लाना. और वो क्या चिल्ला रहे थे, आज तो स्कूल में मस्ती का दिन है. जाने वोर अ पिंक फ्रॉक, अ न्यू पिंक हैट एंड अ पेयर ऑफ पिंक शूज. हेनरी वोर अ डार्क ब्लू पेयर ऑफ पैंट्स, अ येलो शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज. वॉट, जाने वोर अ पिंक फ्रॉक. जाने ने क्या किया, एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी, अ न्यू पिंक हैट, और एक न्यू पिंक हैट वेयर किया और एक पिंक शूज भी वेयर किया, बिल्कुल मैचिंग का ना. हेनरी वोर अ डार्क ब्लू पेयर ऑफ पैंट, और हेनरी ने एक डार्क ब्लू कलर का पैंट पहना
और येलो कलर का शर्ट पहना और ब्लैक शूज पहने, किसने? हेनरी और जैनी. ओके, नाउ दिस इज पेज नंबर 13. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 13. ऑल देयर फ्रेंड्स वर ऑल्सो ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लोथ्स. ऑल देयर फ्रेंड्स वर, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब उन लोगों ने कलरफुल ड्रेसेस पहन रखे थे. ऐसे हम लोग स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, लेकिन जब पिकनिक हो रहा है इस वजह से हम लोग ने कलरफुल ड्रेसेस पहने रखे हैं. दे प्लेड हाइड एंड सीक, सम प्लेड थ्रो बॉल, सम प्लेड पासिंग द पार्सल. अभी मैंने आपको बताया ना, हाइड एंड सीक, छुपा छुपाई का जो खेल होता है उसको बोलते हैं हाइड एंड सीक. तो दे प्लेड हाइड एंड सीक, उन लोग ने हाइड एंड सीक, छुपा छुपाई का गेम खेला. थ्रो बॉल, थ्रो में बॉल मीन्स क्या होता है? थ्रो मीन्स फेंकना ना, एक दूसरों को बॉल फेंकने वाला गेम खेला. पासिंग द पार्सल, पासिंग द पार्सल क्या होता है? जैसे खो खो का गेम नहीं होता है, आप एक को म्यूजिक बजता है फिर हम उसको पार्सल देते हैं, फिर म्यूजिक जब स्टॉप होता है तो फिर जब हम लोग पार्सल देते रहते, जब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो जिसके पास पार्सल रह जाता है उसका, उसको वो फिर क्या करना पड़ता है, उसको सॉन्ग करना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, जो भी वहाँ पे उस समय उसका, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. ओके बेटा, ओके. द टीचर पुट ऑन सम म्यूजिक एंड दे बिगैन टू सिंग एंड डांस. द टीचर पुट ऑन सम म्यूजिक, टीचर ने क्या किया? म्यूजिक बजा दिया. दे बिगैन टू सिंग एंड डांस, और उन लोगों ने, सिंग मीन्स क्या होता है, उन लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया. देन दे सैट टू शेयर द गुडीज दैट दे हैड ब्रॉट. देन दे सैट टू शेयर, शेयर मीन्स क्या होता है? बांटना. शेयर आप एक दूसरे में आपको बांटने हैं था, उसको बोलते हैं शेयर. द गुडीज दैट दे हैड ब्रॉट, उसके बाद जो गुडीज लाए थे. गुडीज क्या होता है बेटा? गुडीज जैसे कैंडीज होता है ना, मीठे चॉकलेट्स वगैरह, उनको गुडीज बोलते हैं. तब वो जो गुडीज लेके आए थे उसको क्या किया उन लोगों ने? एक दूसरे के साथ शेयर किया. ओके, व्हेन इट वाज टाइम टू गो होम द टीचर रैंग द बेल. जब घर जाने का टाइम हुआ, टीचर ने बेल रिंग कर दी, घंटी बजाई. ऑल द चिल्ड्रन हैड सैड फेसेस, सारे बच्चों का जो फेस है वो कैसा हो गया? सैड हो गया, दुखी हो गया. सैड मीन्स क्या होता है? दुखी. दे फॉर्म्ड अ लाइन एंड गॉट ऑन टू अ स्कूल बस, उन लोगों ने, सब लोगों ने लाइन बनाया और स्कूल की बस में बैठ गए. व्हेन हेनरी एंड जाने केम बैक होम दे वर हैप्पी टू टेल देयर फादर एंड मदर अबाउट ऑल द फन दे हैड एट स्कूल. अब जब वो हेनरी और जाने घर आए तो बहुत खुश थे. उन लोगों ने अपने मम्मी पापा से, अपने जो पिकनिक में उन लोगों ने जो फन किया, जो मस्ती किया, उसको अपने मम्मी पापा को के साथ आके शेयर किया, यानी बताया उनको. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ दिस